हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके तीन केसेस थे, जिसमें से दो केसेस हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और ये तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अगर आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम इस चैप्टर के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन 13 वीडियो को पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उन 13 वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बात आती है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, केस थ्री, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर के केस थ्री के बारे में। केस थ्री में है, व्हेन ऑल पार्टनर्स और फर्म गिव्स गारंटी टू एनी पार्टनर इन न्यू रेशियो। ठीक है, जब सभी साझेदार या फर्म किसी भी पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है, कि उसे कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें क्या जो नई बात है, इसमें क्या है? तो पहले के केस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि केस वन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता था। तो उसमें अगर एक पार्टनर को लॉस होगा, गारंटी वाले पार्टनर को अगर लॉस होगा, तो केवल एक पार्टनर को सहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे केस में पढ़ा था कि अगर एक पार्टनर को गारंटी से कम प्रॉफिट मिलता है, शेयर मिलता है, तो उसका जो डिफिशियंसी है वो बाकी पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और इसमें है कि इसमें बाकी पार्टनर इसको एक न्यू रेशियो में बांटेंगे, केस थ्री ये है। ठीक है, तो हम केस थ्री की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको सबसे पहले जो जो पार्टनर रहेगा, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है, उसका हम शेयर प्रॉफिट निकालेंगे। और प्रॉफिट निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी ऑफ जो प्रॉफिट है उससे कम है या ज्यादा। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना उसको मिलना चाहिए था गारंटी, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो फिर हम बाकी सभी पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बात यहीं पे समाप्त। आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट का हिस्सा गारंटीड प्रॉफिट से कम होगा, तो हमको आगे के स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करेंगे। ठीक है, अब लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करना और न करना, ये पूरा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कहा है तब तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कहा है तो पूरा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट बना के भी जो काम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्किंग के ही काम आना है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो भी ठीक, नहीं बनाना है तो भी ठीक, लेकिन स्टेप वन में मैंने लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी से पहले बहुत बार बना चुका है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट आपके लिए हो सकता है नया हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, तो आपको पहले के कॉन्सेप्ट याद होंगे कि उसमें हम जितने भी अप्रोप्रिएशन होते थे उनको एडजस्ट करते थे, उनको जोड़ते थे या घटाते थे। जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन सबको जोड़ा या घटाया जाता था। ठीक है, तो इन सब को जोड़ने या घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये निकालना है हमारा स्टेप टू, यानी कि कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, सभी समायोजन के पश्चात शेष लाभ ज्ञात करेंगे। ये स्टेप टू है। स्टेप थ्री में आएंगे तो स्टेप थ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो बैलेंस प्रॉफिट निकल के आया है उसको बाकी सभी साझेदार में, बाकी नहीं, सभी साझेदार में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, ये स्टेप थ्री हो गया आपका। स्टेप फोर में जब आएंगे तो
स्टेप फोर में है कि आपको जो ये हिस्सा निकला है ना, सब पार्टनर का निकल गया, तो उसमें से केवल उस पार्टनर का जिसको गारंटी मिली है उसका हिस्सा उठाइए और उसको जितनी गारंटी मिली है उससे कंपेयर करके देखिए। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा कंपेयर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर विथ गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। यानी जो जिस साझेदार को गारंटी प्राप्त हुई है उसके लाभ के हिस्से को गारंटीड प्रॉफिट से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप फोर है। इसके बाद अब स्टेप फोर के बाद बात आती है कि कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद दो सिचुएशन आएगा, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा होगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम होगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हमको आगे की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे सभी पार्टनर के बीच में वही हमारा आखिरी स्टेप होगा। अगर वो हमने स्टेप थ्री में कर लिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हमारा काम यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। तब तो फोर्थ स्टेप भी कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ज्यादा है तो, ठीक है। बट अगर कम है तो क्या करेंगे? तो अगर कम है तो सबसे पहले हमको डिफिशियंसी निकालना पड़ेगा। डिफिशियंसी मतलब जो गारंटीड प्रॉफिट है उसमें से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको घटा लेंगे और देखेंगे कि गारंटीड प्रॉफिट से कितना कम प्रॉफिट इसको मिल रहा है। अगर प्रॉफिट जो भी आए, जो भी डिफिशियंसी आए, वो उसको हम उनके न्यू रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में अब रेशियो दिया रहेगा, पहले क्या होता था जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था उसी में हम उसको बांट देते थे, लेकिन अब वाले क्वेश्चन में आपको वो नया रेशियो दिया रहेगा, तो आपको जो डिफिशियंसी है वो उस नए रेशियो में बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब नए रेशियो में बांटेंगे और जो दोनों बचे हुए पार्टनर का हिस्सा आएगा उनके लाभ के हिस्से में से वो हिस्सा घटा देंगे, क्योंकि नए अनुपात में ये क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, ये भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है स्टेप जो सिचुएशन वन है टू है वो भी आप देख सकते हैं कि इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर इज हायर देन गारंटीड प्रॉफिट देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन all the partners in their profit sharing ratio, या distribute the remaining profit between remaining partners in their remaining ratio, ठीक है। तो ये है हमारा fourth step और no further steps required, मतलब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर profit ज्यादा है तो share of profit guaranteed profit से ज्यादा है तो, लेकिन अगर question में शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम है तो आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हम आगे के स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे। आगे के स्टेप्स क्या करेंगे? तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको, पढ़िए, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर इज लेस देन गारंटीड प्रॉफिट देन कैलकुलेट डिफिशियंसी एंड डिस्ट्रीब्यूट it into remaining partner in new ratio given in question, ठीक है, and deduct the share from their share of profit, ठीक है। यानी कि जो हिस्सा निकलेगा, जो क्षतिपूर्ति वाला जो हिस्सा निकलेगा वो उनके प्रॉफिट में से घटा लेंगे। तो ये हो गया आपके स्टेप्स। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डाल दिए हैं, देख लीजिए एक बार। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1, ठीक है। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी ₹5,000। Any deficiency would be borne by A and B equally. Their capital was 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Salaries to be allowed to A is 1000 per month and B is 8000 per annum. The profit for the year 2017-18 amounted to 1 lakh. Pass necessary journal entries and show necessary calculations. ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है
और उन्होंने सी को गारंटी दी है ए और बी ने मिलकर कि हम कम से कम आपको हर साल 5,000 का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। आगे जो कैपिटल दिया हुआ है, कोई भी डिफिशियंसी अगर होता है, ये भी कह रहा है कि अगर कोई भी डिफिशियंसी होता है तो ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे। रेशियो उनका है 5:4, जो ए और बी की सीधे बात करें तो सी की बात नहीं कर रहा है क्योंकि सी को तो गारंटी मिली है, तो ए और बी की बात करें तो उनका जो रेशियो है वो है 5:4, बट जो गारंटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं इक्वल रेशियो में, बराबर बराबर 1:1 में। तो आ गया न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट, इसी की बात कर रहे थे हम, ये है केस 3। अगर ये सीधे कह देता कि बस दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं और कोई रेशियो नहीं देता तो ये केस 2 हो जाता, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है कि ए बी और सी का जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, यानी कि 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, और उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। सैलरी भी दिया हुआ है, ए का सैलरी है 1000 पर मंथ और बी का सैलरी है 8000 पर एनम, यानी कि ए का जब सैलरी हम निकालेंगे तो 1000 को 12 से गुना करेंगे क्योंकि पर मंथ का सैलरी दिया हुआ है और हमको पर एनम यानी कि प्रति वर्ष का चाहिए होता है, और बी का सैलरी पर एनम ही दिया हुआ है यानी कि प्रति वर्ष का ही दिया हुआ है, तो हमको कुछ उसमें नहीं करना है, 8000 सीधे उठा के लिख देंगे। अब आगे कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया है 1 लाख, टोटल प्रॉफिट 1 लाख आया है, और उससे हमको जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन दिखाने के लिए कह रहा है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन, तो सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट, ये है पर्टिकुलर और ये भी हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है 1 लाख, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा, तो पहले एक वर्किंग नोट नंबर इधर दिखा लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का, बी का और सी का, तीनों का निकाल लेंगे हम इंटरेस्ट। तो ए का है 2 लाख कैपिटल है उस पे 10%, बी का 1 लाख कैपिटल है उस पे 10%, और सी का 1 लाख कैपिटल है उस पे 10%, तो तीनों को ब्याज जो मिला वो मिला 20,000, 10,000 और 10,000, 20,000, 10,000 और 10,000, ये हम चढ़ा देंगे यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी 20,000, 10,000 और 10,000, टोटल हो गया 40,000, और 2 पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स का सैलरी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का और बी का, तो ए का तो है 1,000 इंटू 12 12,000 और बी का 8,000 पर एनम ही दिया हुआ है, तो इसीलिए इसमें हमने कुछ से मल्टीप्लाई नहीं किया है, सीधे जैसे था वैसे ही छोड़ दिया है, और जो ए का था वो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि 1,000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो 12 महीने हमको निकालना है, तो ये टोटल आ गया 20,000। अब टू पार्टनर्स कैपिटल कितना बचा, तो 40,000 ये बैलेंस बचा हमारा, इसमें से इन दोनों को घटाने के बाद,
तो ये स्टेप वन और स्टेप टू हो गया हमारा। स्टेप वन मैंने आपको लिखा था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरे में लिखा था कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। स्टेप वन स्टेप टू हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप चाहें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, ना चाहें तो ना बना सकते। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कहा रहेगा तब तो बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपकी मर्जी है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट में आपको सीधे प्रॉफिट ऊपर लिख देना है, जो जोड़ना है वो जोड़ लेंगे और जो घटाने वाले आइटम है वो घटा लेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के लिए नया हो जाता है तो वो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। ये पहले से भी बनाया जा चुका है आपके द्वारा, बहुत बार बनाया जा चुका है, तो इसीलिए इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये हमने स्टेप वन और स्टेप टू कर लिया, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट बना के भी ऐसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो दोनों स्टेप चलेगा। अब आते हैं स्टेप थ्री पे, हमको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर टू ये है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जनरली जो हम डिवीजन प्रॉफिट करते थे वो ऐसे ए बी सी ऐसे तीनों को सीक्वेंस में ऊपर नीचे लिख लेते थे, लेकिन इस बार जो हम करेंगे थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। पार्टनर को हम ऐसे लिख लेंगे ए बी और सी, हॉरिजॉन्टली लिख लिया एक तरह से, ठीक है। अब हमने सबका प्रॉफिट निकाल लेना है, तो प्रॉफिट है कितना, तो प्रॉफिट आया है 40,000, और 40,000 में उनका शेयर कितना है, तो 5:4:1 का है, ठीक है। तो 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 4/10 और 40,000 इंटू 1/10, तो इसका प्रॉफिट आ गया आपको 20,000। इसका प्रॉफिट आपको आ जाएगा 16,000 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 4,000, ठीक है। अब कंपेयर करके देखना था हमको। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब स्टेप थ्री हो जाए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हो जाए, तो स्टेप फोर में है कंपेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटी पार्टनर। जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा निकला है उससे गारंटीड प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। तो इसका हिस्सा निकला 4,000 और गारंटी हमने कितने की दे रखी थी, 5,000 की, तो 1,000 कम आ गया, आ गया ना। तो ये हम कंपेयर करके देखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं अनुमान से कि कोई डिफिशियंसी है या नहीं, अगर छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है तो आपको लिख के करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट हो, ठीक है। तो अब इसको हम वर्किंग नोट नंबर थ्री में ले आते हैं। जो भी डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी वो निकाल लेंगे। डिफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो गारंटीड प्रॉफिट, डिफिशियंसी बराबर हो जाएगा गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ सी, गारंटीड प्रॉफिट टू सी और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी, ठीक है। गारंटीड प्रॉफिट आया हमारा दिया हुआ है 5,000 और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो 4,000 आया, तो 1,000 का डिफिशियंसी हो गया। और 1,000 डिफिशियंसी को इक्वली दोनों बांटेंगे, डिफिशियंसी टू बी बोर्न बाय ए एंड बी, इन ए एंड बी इक्वली लिख देता हूं, ठीक है। डिफिशियंसी टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब ए एंड बी को हम बराबर बराबर दे देते हैं, तो 1,000 में बराबर बराबर करेंगे तो 500 इसका हो जाएगा, 500 इसका हो जाएगा और इसको 1,000 मिलेगा, तो इसका प्लस होगा 1,000, ठीक है, और इन दोनों का माइनस होगा। डिफिशियंसी इन दोनों में से माइनस कर रहे हैं और इसको दे रहे हैं क्योंकि यही दोनों उसी को दे रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट आया 19,500, इसका प्रॉफिट आया 15,500 और इसका प्रॉफिट आया 5,000, ठीक है। तो ये है हमारा, अब इस प्रॉफिट को हम यहां पर लिख लेंगे ए बी और सी, हाँ
19,500, 19,500, 15,500 और 5,000। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अब अगर इसके आगे हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता तो ये प्रॉफिट, ये सैलरी और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसमें ले जाते और फिर उसका बैलेंस निकालते, लेकिन इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है। अगर इसमें इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्यों? क्योंकि आगे जो भी क्लासेस के वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सही समय पे आप क्लासेस देख पाइएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ पाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।